लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। विगत दिनों से लगातार शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज बेटमा पुलिस ने देसी मसाला अवैध शराब की कुल 14 पेटियां और एक पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है, जिसकी कीमत करीबन 90,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एक कार टियागो जब्त की गई है। बेटमा थाना निरीक्षक संजय शर्मा और उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक सफ़ेद रंग की टियागो कार अवैध शराब लेकर धार तरफ से इंदौर जा रही है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए टीम द्वारा उनका पीछा करके ललेड़ी पूरा जंगल खदान के पास उक्त कार की घेराबंदी कर पकड़ा, जिसे कार चलाने वाले व्यक्ति के नाम पता पूछने पर उसका नाम बंटी पिता मेघनाथ सोनवाने जाति नाई उम्र 24 वर्ष निवासी शुभम पैलेस गली नंबर 1 छोटा बागरदा थाना एरोड्रम जिला इंदौर तथा कार में बैठे दूसरे व्यक्ति का नाम शुभम पिता संतोष वर्मा जाति कोरी उम्र 23 निवासी मरी माता बगीचा जूनी इंदौर का होना पता है। आरोपियों से कुल 14 पेटी देसी मसाला, एक अंग्रेजी शराब की पेटी और जिसकी कीमत 90,000 रुपये है और एक कार टियागो को विधिवत जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ अभी जारी है। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। आज जो दारू पकड़ी है, कितनी पकड़ी और कहां से कहां जा रही थी, ये क्या विषय बताइए। आज सुबह प्रभात गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि धार तरफ से एक टाटा टियागो कार में अवैध रूप से शराब इंदौर तरफ जा रही है। सूचना पर तत्काल अमराई फोर्स आरक्षक मुकेश और कमलेश के साथ रवाना होकर हिमाचल में नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी टाटा टियागो आती दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया, जो लेलड़ीपुरा रोड तरफ मुड़ गई, नाकाबंदी कर घेराबंदी करके पकड़ा, चेक करा तो उसके अंदर 14 पेटी मसाला शराब की व एक पेटी आरएस अंग्रेजी शराब की मिली व दो आरोपी उसके अंदर बैठे पाए गए, जिनमें एक का नाम बंटी पिता मेघनाथ सोनवाने निवासी इंदौर और दूसरा सोम पिता संतोष वर्मा निवासी इंदौर, दोनों इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।